उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 35 सिटी बसों के पहिए थम जाएंगे। आपको बता दें कि प्रेमनगर सस्तधारा रायपुर रोड पर आरटीओ ने एक रूट तय कर सिटी बसों के संचालन के लिए 35 बसों को परमिट आवंटित किए थे, जिसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन डंडरियाल ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने संभागीय परिवहन अधिकारी को आदेश जारी करते हुए कहा कि रूट तय करना राज्य सरकार के अधिकार में है, प्राधिकरण को रूट तय करने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए तत्काल उस रूट की बसों के संचालन को बंद किया जाए और जो परमिट आवंटित किए गए हैं उनको निरस्त किया जाए। इसको लेकर आरटीओ ने बताया कि बाकायदा राज्य सरकार से रूट के लिए आदेश ले रखे थे, लेकिन समय के अंतराल के चलते आदेश बाद में आए और परमिट पहले दे दिए गए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार लिखित आदेश पारित हुआ कि बसों का संचालन बंद कर दिया जाए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ठीक है कि 17 अगस्त 2022 को उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा इस मैटर पर डिसीजन ले लिया गया है और उनका उन्होंने कहा गया है कि इसमें आरटीए के पास अधिकार नहीं है रूट को डिसाइड करने का, ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमें अभी एक कल प्राप्त हो गई है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की, और उसके अनुपालन में हमने दूरभाष पर बता दिया है, रूट पर संचालन बंद कर दिया है और उनको नोटिस भी प्रेषित कर दिए गए हैं कि तब तक इस रूट पर रायपुर प्रेमनगर रूट पर कोई भी बस का संचालन नहीं किया जाएगा। 27/12/2008 को जो 35 बसों को जो इन्होंने रूट फॉर्मुलेटेड किया था उसको माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इनको सर्टिफाइड कॉपी कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो मेरे द्वारा ग्रहण की गई थी वो मैंने इनको कॉपी दे दी गई है। अभी देखते हैं कि किस तरह की कार्रवाई अब करते हैं, या गाड़ियों का संचालन बंद कराते हैं या इनको कुछ मानकों में फिलहाल ढील देते हैं।